ओम शांति। 14 फरवरी 2022। अभी सुनेंगे परमपिता परमात्मा मिट्टी शिव बाबा की विस्तार से मुरली। ये बच्चे सेंसिबल बन चलते फिरते, जहाँ भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। उत्तर, अब यह सब खत्म होने वाला है। दो, कना देने से बाप द्वारा मोहल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं, बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता लेता नहीं है। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम आए अर्थात भक्तिया ब्राइड्स अर्थात सजनिया। भक्तिया प्रीतम व साजन को बुलाती है। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं, कितने ढेरों के ढेर है बुलाते हैं, तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतिमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत है जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है, तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही, यह तो सब जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचे भगवान को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगत अम्बा, मुख्य वह है। यह तो सिर्फ बच्चों को ही बुद्धि में है कि ऊंचे से ऊंचे बाबा द्वारा हमको ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं है। जब बाप आए तब ही आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूँ। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले, यहाँ तो यह बात ही नहीं है। यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है, बाकी कोई का कुछ काम है तो बाप बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वो फादर है। वो लोग तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी है तो जैसे आत्माएं आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं, फिर क्यों कहते कि वह आ ही नहीं सकते। मनुष्य कितने बुद्धू है, दिखाते भी है बैल की भ्रुकुटी में शिव परमात्मा, बैल की भ्रुकुटी में परमात्मा भी बराबर भ्रुकुटी के बीच में रहते। भगवान को ही अपना, भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम यह समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकते हैं। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं, वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अल्लभ को नहीं समझते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह भक्ति मार्ग, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उनको भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा यह किसी को पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया। इससे मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख करता। बाप तो है ही दाता, दो कने के बदले महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते हैं, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते में चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसी का मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है, सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा का कब नाम सुना है। कितना फर्स्ट क्लास बात है, परमपिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू
नरम चीज दिखेगी तो डंक मारेगी। तुम भी यही धंधा करो, राजयोग सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहाँ तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो यह समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इससे सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, किसी को कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, यह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे, इकट्ठे रहकर पद पाना है, यह है बड़ी मंजिल। और सब और संग टूट जाए, एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, या तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापिस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, यह बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस करो। कोई कहते हैं यह कैसे हो सकेगा, भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत है वह सब भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को ही याद करते हैं होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंत मति सो गति होगी, राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अगर कोई सन्यासी है गुरु है उनको भी याद करना पड़े तो अंत मति सो गति हो। पहले पूछो कहाँ जाने चाहते हो, वापिस तो जाना है परंतु कहाँ, क्योंकि भक्ति में भक्ति से ताकत नहीं मिलती है जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिवान तो एक ही परमपिता परमात्मा ही है ना, उनका ही पाठ नुंदा हुआ है, ऊँचे ते ऊँचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासी को तो देवता भी नहीं कह सकते हैं, वह तो आते हैं द्वापर में है। भगवान स्वयं आकर कहते बच्चे मुझे याद करो तो और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते हैं, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊँचे ते ऊँचा है निराकार भगवान, वह रहते हैं मूल वतन में, वह भी ऊँचे ते ऊँचा है, हम देवताएं भी वहाँ ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहाँ सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भपका है, जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं है। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है, तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, तुम जानते हो। यह भी अभी अति साधारण है, जो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहा जाता है, जगत अम्बा को कहा काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम ये राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनीय श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो तो जिज्ञान से ही होती है, बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं है। कृष्ण को भी संगम पर बाबा का वर्षा देते हैं, संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है, यह है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है देवी कुल। देवी कुल के लिए फिर 84 जन्म लेते हैं तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर है जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉडफादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो, सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही है तो सब बच्चे, परंतु किनों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए, अंधों की लाठी तो श्री बाबा ही है और कोई तो हो न सके। हे प्रभु अंधों की लाठी तू ही है, यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल दवाई की जाती है, ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है।
ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं, कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी है? तुम जानते हो कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए ना, या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, तो कहते हैं हम ही परमात्मा है। कितना समझाया जाता है, कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहा जाए यह भी लॉ नहीं है। सन शोज फादर, बच्चे तो ढेर है, ढेर आते भी रहेंगे, क्यों में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए, यह भी सभी का बाप है, पोप को भी सद्गति देने वाला है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है, वह झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है, न समझने के कारण वह समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है वा नहीं है। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वो किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं यह आए तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ग का सैपलिंग लगाना तो है। हम समझ जाएंगे हम यह किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है, तुम भी ऐसे समझो। कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेंगी, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भवो। अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भवो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता है, और बाप का सहारा नहीं है इसीलिए हद के किनारों का सहारा लेते हैं। अल्पकाल की बात धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन है, कर्म योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। कर्म योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।